सो हाय गाइस, क्या हाल चल सभी के एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं जो भी बताऊंगा सब रियलिटी ही बताऊंगा, बस आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना मैंने सही बोला कि गलत। आज की बात आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज मैं बात करूंगा प्रोनेशन और प्रोनेशन के गिल के एक्स मेंबर्स और नॉन स्टॉप गेमिंग के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हो, वो गलत है, ये गलत नहीं है, ये गलत है, वो गलत नहीं है, तो मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा। आप लोग वीडियो देखो लेकिन किसी को भी हेट मत देना। एक टाइम ऐसा भी था पीएन हर्ष का मिलियन में व्यूज चला जाता था, तब तो पीएन हर्ष को कोई भी बुरा नहीं बोलता था, सब लोग अच्छा ही बोलते। लेकिन अभी के टाइम पर आप लोग देख ही सकते हो पीएन हर्ष का व्यूज बहुत ही डाउन हो चुका है, तो सब लोग गलत बोलने लगा। गिल को भी एक एक करके गिल मेंबर्स लोग छोड़कर जा रहा है। अगर इतना गिल को छोड़कर जाना ही था तो पहले से भी जा सकता था ना। अभी आगे बोल रहे बहुत रूल्स है भाई, रूल्स तो भाई पहले से था ना भाई, तब तो नहीं गए ये लोग, बट अभी जाके क्यों भाई, वो भी इतना डाउन के समय में सब छोड़कर चला गया। यार पीएन हर्ष को आप लोग सपोर्ट करना चाहिए यार, आप लोगों को भी तो सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में पीएन हर्ष ने बहुत। और पीएन हर्ष का भी ये गलती है, हर्ष ने ये सब कुछ देखते हुए भी उसने भाई एक भी रूल्स चेंज नहीं किया भाई, एटलीस्ट कुछ रूल्स तो चेंज करना चाहिए था ना, क्योंकि गिल मेंबर्स लोगों को भी वीडियोस बनाने में बहुत ही दिक्कत होता था, वो लोग भी तो कंटेंट क्रिएटर्स है। मुझे बहुत लोग कमेंट्स करते हैं नॉनस्टॉप गेमिंग गलत है, और ऐसा भी कमेंट्स करते हैं नहीं नॉनस्टॉप गेमिंग सही है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा पीएन के एक्स मेंबर्स लोग सब लोग एनजी गिल में जाके ज्वाइन हो रहा है। सबसे पहले पीएन गिल को रेक्स ने छोड़ा था, तब क्या होता है रेक्स ने जाके नॉनस्टॉप गेमिंग यानी कि शिवम भाई को बोला तो मेरे साथ ऐसा ये सीन हुआ है, मेरा गिल टेस्ट ले लो और मुझे गिल में ले लो। शिवम भाई ने एक वीडियो बनाया और रेक्स को गिल में ले लिया, तो वो बात पीएन हर्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हर्ष का ये कहना है एटलीस्ट वीडियो बनाने से पहले मुझे एक बार तो बोल देता, क्योंकि पीएन हर्ष और शिवम भाई एक दूसरे से फ्रेंड था। हर्ष ये कह रहा था रेक्स को गिल में लेने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेक्स गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था और शिवम भाई ने मान लिया और वीडियो बना भी दिया। तो हर्ष का ये कहना है नॉनस्टॉप गेमिंग का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसका काम है अच्छे अच्छे प्लेयर्स को अपनी गिल में लेना और अंदर रहते प्लेयर्स को सपोर्ट करना, और नॉनस्टॉप भाई का कहीं ना कहीं ये भी गलती है, वीडियो बनाने से पहले एक बार हर्ष को पूछना चाहिए, क्योंकि वो दोनों तो दोस्त था। तो गाइस, तो मैं बोलूंगा कोई गलत नहीं और कोई सही नहीं, अगर 50% गलत होता है तो 50% सही भी। अगर आप लोग यहाँ तक आ गया तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय।